दोस्तों बड़ा इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का कि मैं एक गर्व के साथ अपने एक इंडियन स्मार्टफोन का रिव्यू करूं, अपना ओपिनियन दूं। तो आज वो दिन आ गया है और एक ऐसी इंडियन स्मार्ट कंपनी है जिसने मेरे को ये मौका दिया। वो माइक्रोमैक्स नहीं है, वो लावा नहीं है, ये कुछ ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक्निकल अमित में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी ये बात है कि यार ये वीडियो किसी तरह की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो, कोई पेड वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदे के 3000 सब्सक्राइबर्स हैं तो इतनी आम की कॉमन सेंस होगी कि भाई 3000 वाले को ये सब आप सब जानते हो ना ही। दोस्तों ऐसा मैं कभी कुछ आगे चल के भी करने वाला हूँ, बाकी यार बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है मेरा। सो दोस्तों ये जो वीडियो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, एक बार फिर बोल देता हूँ। एज वेल एज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगा। यार मैंने पहले बहुत कम ऐसी वीडियोस बनाई हैं बट आज मेरा दिल किया क्योंकि आज ये कमाल हुआ है, तो सिर्फ एक ओपिनियन दूंगा। यार मैं आपको किसी तरह का कोई फोर्स नहीं करूंगा, इस फ़ोन को लेना है लो, नहीं लेना है ना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शोमी जैसे ये ब्रांड जो है वो इंडिया में इन्होंने धूम मचाई हुई है, लोग पागल हैं इनके स्मार्टफोन्स के पीछे। अब ऐसा रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि दोस्तों जो भी ये स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं वो काफ़ी अच्छी स्पेक्स और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ आते हैं। बट यही बात अगर मैं बोलूँ अपनी कुछ इंडियन जो कंपनी से लाइक माइक्रोमैक्स लावा, तो यार इनके फायर शायर पता नहीं कौन कौन से मतलब स्मार्टफोन्स आते हैं जिनमें यार ना तो स्पेक्स होते हैं और ना उनकी प्राइसिंग अच्छी होती है। तो यही एक बड़ा रीज़न है जिससे दोस्तों जो इंडियंस है वो इनको इग्नोर करते हैं और चाइना से जो कि हमारे बहुत ही अच्छे समझ जाओ तो उनसे ये दोस्तों जो है वो अपने मतलब उनके स्मार्टफोन्स मतलब पसंद करते हैं। शाओमी कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी अगर आपको नहीं पता है। बट ये सब दोस्तों पीछे छोड़ के इंडिया की एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी ने मतलब मज़ा लगा दिया है। यार इतना अच्छा लगा है मेरे को। उस कंपनी का दोस्तों नाम है कुल्ट बियॉन्ड। बियॉन्ड उनका जो है एक मॉडल है जो भी उन्होंने फ़िलहाल ही जो लॉन्च किया है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के बारे में तो इसका जो प्राइस है, प्राइस की अब मैं बताऊँ तो इसका जो प्राइस है वो 7000 है, यानी कि 699 इसका जो प्राइस रखा गया है। 18 अगस्त को दोस्तों ये जो है वो आपको अमेज़ोन पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये रिव्यू देके इसको अच्छा लगे, इसको लेना पसंद करो तो लिंक आपको दे दूंगा। भाई बे लिंक नहीं दूंगा, एफिलिएट लिंक नहीं दूंगा, जस्ट एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसको बाय कर पाओगे, रजिस्टर्ड कर पाओगे। सो दोस्तों बात करें फ़ोन के स्पेक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है वो 5.2 इंच की IPS HD स्क्रीन मिलती है जो कि 2.5D कर्व्ड ग्लास है। मेटल बॉडी में आपको मिलता है विद फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको फंक्शंस मिलने वाले हैं। लाइक आप उससे अपना स्मार्टफोन अनलॉक तो कर सकते हो, साथ ही साथ लॉक भी कर सकते हो और कुछ सिक्योरिटी ऐप्स हैं उनको जो है वो असेस कर सकते हो। एज वेल एज दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा 13 MP रियर कैमरा और 13 MP विद फ्रंट कैमरा। यही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। इसमें आपको दोस्तों जो है वो 3 स्लॉट्स मिलेंगे, एक आपकी दो आपकी जो है वो सिम्स डाल सकते हो और 4G वोल्टी सपोर्ट आपको मिलता है एज वेल एज microSD। यहाँ पे हाइब्रिड जो है सिम स्लॉट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे बढ़े दोस्तों तो बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है वो MediaTek का MT6737 प्रोसेसर मिलता है जो कि मेरे ख्याल से लोगों का पता नहीं, जो कि मेरे ख्याल से इतना पुराना भी नहीं है और इतना नया भी नहीं है। बट बात यहाँ पे यह है दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस है वो 7000 और 7000 में आपको MediaTek का प्रोसेसर ही नहीं मिलता है, इसमें आपको 3GB की रैम मिल रही है। तो 3GB की रैम और MediaTek का ये जो 6737 प्रोसेसर है तो मेरे ख्याल से जो कि 1.2 GHz पे क्लॉक्ड है तो मेरे ख्याल से यार इतना भी गलत चीज़ यहाँ पे नहीं है क्योंकि 3GB रैम मिल रही है और वो आराम से जो है वो एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकती है। एज वेल एज दोस्तों इस फ़ोन में आपको 3000 mAh की जो है वो बैटरी मिलती है। तो यार 3000 mAh बैटरी विद क्वाड कोर प्रोसेसर 1.2 GHz जो कि MediaTek का है और GPU जो है दोस्तों इसका जो है वो माली का मिलता है आपको, माली
T760 ऐसा कुछ जो है वो GPU मिलता है यार, नीचे लिंक दिया है भाई लोगों को, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ये सब देख के दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है, तो यहाँ पे आपको जो मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन का आपको जो है वो बैकअप मिल जाएगा, और स्टैंड बाय का ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तो यार निकल जाएंगे। तो बैटरी के हिसाब से भी सही है, प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव चाहिए था, बट फिर भी 3 GB आपको रैम मिल रही है इसमें, और हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है यार, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, मेटेलिक बॉडी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको यार। इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, 2.5D कवर्ड ग्लास है। और बात करूँ दोस्तों Redmi 4 की, तो यार वो भी इसी प्राइस में आपको मिलता है, मानता हूँ वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, बट ये बात है वहाँ पे आपको 2 GB रैम मिल रही है, और इस स्मार्टफोन में आपको 3 GB रैम मिल रही है विद 32 GB रोम। अब यार मेरा ये फर्स्ट रिव्यू था, फर्स्ट एक ओपिनियन था, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, आवाज़ दिल से निकलती है, दिमाग से निकलती है, बाकी आप लोग खुद जानो। बस यही बोलता हूँ यार भाई लोगों, यार पहली बार किसी एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी ने एक इतना अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो यार मीडिया टेक करके इस स्मार्टफोन को जब वो मतलब ऐसे मत समझना भाई लोगों। मैं जानता हूँ भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई मीडिया टेक का तो कचरा है, बस यार मीडिया टेक का प्रोसेसर है तो कचरा है यार, मतलब आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों होता है, बट फिर भी यार एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है इतना अच्छी प्राइसिंग, 3 GB रैम दे रही है यार, और फिंगरप्रिंट सेंसर और सब कुछ आपको मिल रहा है, सिवाय दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यार एक अच्छा फ़ोन अगर आप डेली यूज़ के लिए इसको ले रहे हो, हाई गेमिंग नहीं करना चाहते हो, एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। 3000 की मेगाहर्ट आपको बैटरी मिल रही है, सो मेरा ओपिनियन ये है कि यार हाँ आप इसको ले सकते हो, आप इसको Redmi 4 के साथ टक्कर ये देगा, Redmi 4 को मुझे पता है टक्कर देगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेक्स के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, और दोस्तों माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कहीं जगह पे कुछ गलत बोल दिया भाई लोगों, क्योंकि यार फर्स्ट ऐसा ओपिनियन है, तो मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बस एक छोटी सी नॉलेज थी, और सोचा कि यार बस यार ये शेयर करना चाहिए अपने भाई लोगों के साथ, तो मैंने शेयर कर दिया है। कमेंट बॉक्स में बताओ यार आप किसके साथ हो यार, चाइना या इंडिया, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ भाई लोगों, ठीक है, मैं उनके तरह नहीं हूँ कि यार कल को रिव्यू लेने हैं, ये करना है वो करना है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ भाई, आई लव माई इंडिया, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, और मैं चाइना को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे बेशक इनके स्मार्टफोन चाइना के काफ़ी अच्छे से हैं, रेडमी लोग पसंद करते हैं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। कमेंट में बताएं यार वीडियो कैसी लगी, कोई बात अगर आप बताना चाहते हो तो वो भी बताएं, और ये ज़रूर बताएं यार कैसा लगा ये स्मार्टफोन, अगर कुछ चेंजेस चाहते थे तो वो भी बता दें यार, इतना अगर आपके पास टाइम है। मैं मिलता हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, सलामत रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।